आज हम देखने वाले हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और साथ में पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या? सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन। अगर अपन सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट जब ना पंप करता है, ठीक है, तो बनी बात है पूरे बॉडी में सर्कुलेशन ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो अपन देखेंगे कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंतर्गत क्या कर रहा है और हार्ट में जो ब्लड है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, तो चलिए अगर अपन देखें ठीक है, तो राइट एट्रियम, क्या राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल ठीक। अब अगर देखें अपन तो ये क्या हो गया, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक। ये क्या हुआ, राइट एट्रियम, ये क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल, ठीक। अगर अपन वॉल्व की बात करें तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। कौन सा वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। और यहाँ पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है? पल्मोनरी वॉल्व। कौन सा वॉल्व? पल्मोनरी वॉल्व। ये क्या है अपनी पल्मोनरी ट्रंक, देन पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अगर अपन इसको यहां से बाइफर्केट ना करें और ये, तो ठीक, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब ये ब्लड कहां जा रहा है, अपने लंग्स में। कहां जा रहा है? लंग्स में, ठीक। लंग्स में क्यों जा रहा है? प्यूरिफाई के लिए। किसके लिए? प्यूरी फाइकली, क्योंकि अपने पास कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वहां पे लंग्स के पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। देन ये क्या हुआ अपना लंग्स, ठीक है, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज, मतलब यहां पे क्या मिलेंगे अपने को, कैपिलरीज मिलेंगे और ये क्या हो गई एल्वियोलाई, मान लेते हैं क्या है ये एल्वियोलाई, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हुआ, क्योंकि एल्वियोलाई के पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। हाँ, किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक। क्योंकि अगर अपन देखें तो ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है ब्लड, जो है डीऑक्सीजनेटेड है, देन अपने पास ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक, चीज जाएगी। तो यहाँ पे ब्लड क्या होगा, जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्यूरिफाई होगा कहाँ, लंग्स पे। देन तो अब ब्लड कहाँ आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, कहां आ गया ब्लड, ये क्या था अपना लेफ्ट एट्रियम, ठीक, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक।
अगर अपन देखिए पोस्टीरियरली ये, ठीक चलो ये ठीक है, तो ये क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, इसके पास कौन सा वॉल प्रेजेंट है, एओर्टिक वॉल। कौन सा वॉल प्रेजेंट है, एओर्टिक वॉल, और इसके पास पल्मोनरी वॉल। ठीक है, तो अब अगर अपन देखें तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ अपना, जब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, अब इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहां कहां से आ रहा है, अपने गैस्ट्रिक, ठीक है, एब्डोमिनल वाले पार्ट से आ गया, और लोअर लिम से इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा। और सुपीरियर वेना कावा की बात करें अपन, तो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड कहां, अपने ब्रेन और अपर लिम, क्या ब्रेन और अपर लिम में ब्लड कहां से आ रहा है, अपर लिम से ब्लड कहां आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा में, और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा में कहां कहां से आ रहा है, अपना लोअर लिम हो गया और एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी विसरा हैं, वहां से ब्लड आ रहा है कहां, इंफीरियर वेना कावा में। और ये दोनों सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग कहां हो रही है, राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना कावा की सुपीरियर साइड होती है, इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग इंफीरियर साइड होती है, क्योंकि अगर अपन राइट एट्रियम को पढ़ने जाएंगे तो अपने को वहां पर तीन ओपनिंग देखने मिलेंगी। ठीक है, चलो फिर राइट एट्रियम से अब यहां से ब्लड आ गया कहां, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहां आ गया, राइट एट्रियम में। मतलब ये पूरा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है और लेकर कहां लाकर डालता है, राइट एट्रियम में। देन राइट एट्रियम से फिर ब्लड कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ चुका है कंडक्शन सिस्टम। क्या अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कंडक्शन सिस्टम, तो कंडक्शन सिस्टम में अपन ने ये देखा था कि जब बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड कहां आता है, वेंट्रिकल में, कहां आता है वेंट्रिकल में। ठीक है, तो जब ये राइट एट्रियम अपना भर जाएगा ब्लड से तो यहां से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, कहां जाएगा वेंट्रिकल में। अपने को पता है कि ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी, ये क्या है पल्मोनरी ट्रंक, और ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये पल्मोनरी ट्रंक और राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि अपन ने एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन ली थी, अब ये जो ब्लड है कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ, प्यूरिफाई हुआ। देन प्यूरिफाई होने के बाद अब कहां आ गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। और पल्मोनरी वेन भी दो होती है, क्यों, टोटल चार होती है, दो इधर से निकलती है, राइट लेफ्ट पल्मोनरी वेन और दो राइट पल्मोनरी वेन, क्योंकि दोनों इंटर करती है कहां, अपने लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, अब ब्लड कहां आ गया, एट्रियम में आ गया, इसके पास अपने कैसे वॉल्व मिलेंगे, यहां पे प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वॉल्व। कैसा वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। अब क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में जब का जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा तो अब कहां आ जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कहां आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, बोथ वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो यहां से ब्लड तो वहां जा रहा था, देन लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहां जा रहा है, अभी पूरे बॉडी में आपको सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो वहीं अगर अपन देखें तो ये ठीक आर्च ऑफ एओर्टा से, आर्च ऑफ एओर्टा से तीन ब्रांचेस निकलती हैं, हाँ आर्च ऑफ एओर्टा से तीन ब्रांच निकलती हैं, और ब्लड आगे एओर्टा कंटिन्यू करता है, किसमें, डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक, जो तीन ब्रांचेस हैं इसका नाम ब्रेकियो सिफेलिक ट्रंक, ब्रेकियो सिफेलिक ट्रंक, इसका नाम लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो ये हो क्या क्या, ब्रेकियो सिफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये ब्रेकियो सिफेलिक ट्रंक आगे चलकर बाइफर्केट होता है और कंटिन्यू चलता है। ठीक है, तो अगर अपन ये वाले पोर्शन को, मतलब आर्च ऑफ एओर्टा को यहां लेके आए, ठीक है, अगर अपन आर्च ऑफ एओर्टा को यहां बनाते हैं, ये हो गया क्या अपना आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक, तो देखिए अगर, तो ये क्या हो गया, ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक,
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक, अब यहां से ये आर्च ऑफ एओर्टा, क्योंकि आर्च ऑफ एओर्टा पहले क्या है, असेंडिंग एओर्टा, और उसके पहले भी अपन ने असेंडिंग एओर्टा की ब्रांचेस की चर्चा कर चुके हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, तो